अंगीठी बनी दंपत्ति का काल। जिस कोयले की अंगीठी को सर्दी से बचने के लिए जलाया था वही उनकी मौत की वजह बन गई। सांस घुटने से दंपत्ति की मौत हो गई। खबर हरियाणा के यमुना नगर से है, जहां जगाधरी रक्षक विहार के पास कृष्णा कॉलोनी में किराए पर रह रहे युवा दंपत्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दंपत्ति शहर के नामी सेंट थॉमस स्कूल में कार्यरत थे। घटना का पता तब चला जब ट्यूशन पढ़ने आए बच्चों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहुत देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने मकान मालिक से कहा। किसी तरह से लोगों ने खिड़की तोड़कर जब अंदर प्रवेश किया तो सबके होश उड़ गए। अंदर बेड पर प्रियंका और बाथरूम में उसके पति अमितेश को मृत अवस्था में पाया। तुरंत मामले की सूचना जगाधरी पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद SHO सिटी जगाधरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। अमितेश और प्रियंका ये दोनों रोहतक के रहने वाले हैं। लगभग 2 साल से यहाँ जगाधरी में आए हैं। जगाधरी में सेंट थॉमस स्कूल में दोनों जॉब करते थे। अमितेश रिसेप्शनिस्ट के काम करते थे और प्रियंका स्कूल में पढ़ाती थी 6ठी क्लास को। और आज शाम को पता चला कि बच्चे ट्यूशन पढ़ने आए थे और कोई खोल नहीं रहा है। आवाज़ लगाए लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। तो बच्चों के पेरेंट्स में से किसी ने फिर फ़ोन किया, तो हमारे स्कूल के ही एक स्टाफ वो आए वहाँ पे और उन्होंने भी देखा, बेल भी घंटी भी मारी, कोई नहीं बाहर निकला। फिर वो जाके जो मकान मालिक हैं मकान मालिक को बताए, तो मकान मालिक भी आए और हमारे स्कूल के और 2 स्टाफ तीनों वहाँ पर जाली काट करके कुंडी खोला और अंदर जब बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर गए, जब देखा कि अमितेश बाथरूम के अंदर ही पड़े हुए हैं और प्रियंका बेड के ऊपर पड़ी हुई है। फिर उन्होंने खबर दिया तो बाकी सब लोग भी पहुंच गए, थाने में भी रिपोर्ट लिखवाए। असले में कोयला जला हुआ है वहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है कि कोयला जलाए हुए थे और गैस बन गई थी। गैस बन गई थी और वो गैस निकल नहीं पाई, सफोकेशन हो गया और उससे शायद उनकी डेथ हुई। आज करीब 5:30 बजे करीब हमारे पास सूचना आई थी कि कृष्णा कॉलोनी में एक दंपत्ति मृत अवस्था में पड़े हैं। तो हम मौके पर गए, वहाँ पर हमने प्रारंभिक जांच की तो पता चला है कि वो मकान गुरमीत सिंह नाम के आदमी का है और उसके पास वो 2 कपल जो सेंट थॉमस स्कूल में नौकरी करते थे वो रहते थे वहाँ पर पिछले 1.5 साल से किराए पे। तो आज बारिश का दिन था, स्कूलों की छुट्टियाँ हो रखी हैं तो वो स्कूल में भी नहीं गए। बच्चे उनके पास ट्यूशन के लिए आए शाम को 4 बजे करीब, तो बच्चों ने दरवाजे खड़काए तो नहीं खुले, अंदर से लॉक थे दरवाजे। तो मकान मालिक गया और जो उनके स्कूल से टीचर आए उन्होंने जाके अंदर से जाली तोड़ गए बाथरूम की और कुंडी खोली, अंदर गए वो तो अंदर जाके देखा कि एक कमरा में बेड के ऊपर प्रियंका पड़ी थी, वो डेड अवस्था में थी और बाथरूम में उसका हस्बैंड अमितेश वो डेड अवस्था में पड़ा था। तो और वहाँ कमरा में चारों तरफ से बंद था, वो कमरा बिल्कुल लॉक था और अंगीठी तसला में कोयले जले हुए रखे थे। तो सीन ऑफ क्राइम टीम हमने बुलाई वहाँ पर, उन्होंने मौका मुआयना किया है और प्रारंभिक जांच से यही प्रतीत हुआ है कि वो जो कोयले की जो धुएं से दम घुटने से इनकी मौत हुई है। फिर भी बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा सुबह, तो सर उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी हमने मिलाई जाएगी। ये बेसिकली तो रोहतक में कोई गांधीनगर कॉलोनी है, वहाँ के रहने वाले हैं, पिछले 1.5 साल से यहाँ पर आए हुए थे, सेंट थॉमस स्कूल में नौकरी करते हैं। तो बच्चे भी थे जी इनके? बच्चे दोनों, 2 बच्चे हैं इनके पास, वो छुट्टियाँ होने के कारण अपने घर में रोहतक छोड़ आए थे पिछले संडे को। तो परिवार को सूचित कर दिया? परिवार को सूचना दे दी गई है, परिवार चला हुआ है, वो आ जाएंगे वहाँ से आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। यमुना नगर ब्यूरो रिपोर्ट, YES TV। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए YES TV के साथ।